हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम का जो प्राइवेट अकाउंट होता है उसका फोटो देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से देखते जाओ, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि प्राइवेट अकाउंट का फोटो आप कैसे देख सकते हो। और देखना ही नहीं दोस्तों, आप उससे अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो बिल्कुल HD क्वालिटी में। आप कितना भी जूम कर लो वो फोटो फटने वाला नहीं है दोस्तों, एकदम HD क्वालिटी में आपको उसे कैसे डाउनलोड कर लेना होगा, इसके लिए आपके मोबाइल में दो चीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला तो इंस्टाग्राम और उसमें आपका ID होना जरूरी है, और दूसरा आपको क्रोम ब्राउजर। दोस्तों क्रोम ब्राउजर में से आपको फोटो को डाउनलोड करना है और आपको देखना भी है उसी में, पर आपको अपना इंस्टाग्राम साइन अप करने की जरूरत नहीं है। बस आपको उस आईडी का जो URL है या फिर यूजर आईडी है, बस आपको उसे डालना है और आप उसका फोटो देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों हमें ये जो दो एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में बहुत ही जरूरी है, पहला तो इंस्टाग्राम आप लोगों को मालूम ही होगा, और दूसरा जो है क्रोम ब्राउजर, जो कि सभी के मोबाइल में इनबिल्ड होता है, आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। अगर आप क्रोम ब्राउजर आप यूज नहीं करना चाहते हो तो आप UC ब्राउजर या फिर जितने भी अलग अलग ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, सारे में ये ठीक काम करने वाला है। दोस्तों हम चलते हैं अपने इंस्टाग्राम में, आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। जैसा कि मैं आप लोग के लिए एक प्राइवेट अकाउंट मैंने सर्च करके रखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एडल्ट होमी जो ये है ये एक प्राइवेट अकाउंट है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे प्राइवेट अकाउंट, और इसका जो मैं आप लोगों को फोटो यहाँ पे दिखाने वाला हूँ अपने क्रोम ब्राउजर में। दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसे फॉलो नहीं किया है और ना ही मैं अपना साइन अप करूंगा अपने क्रोम ब्राउजर में। तो हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, और कॉमेंट बॉक्स में जा करके कॉमेंट कर दो अच्छा सा कि आप लोग के मोबाइल में ट्रिक काम किया या फिर नहीं किया, या फिर आप अपना नाम लिख दो तक मैं अपन कमेंट पढ़ सकूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखे हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपको हमारे वीडियो के नीचे में लाल रंग की सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, तो जल्दी से क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके ऑल सेट कर लो। इससे क्या होगा कि आप लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप सबसे पहले अपडेट होगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने हम क्रोम ब्राउजर में। दोस्तों यहाँ पे हम सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर लेना होगा जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा, यहाँ पे ऊपर में आ गया, मैंने पहले से सर्च करके यहाँ पे रखा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इंस्टाग्राम HD प्रोफाइल डाउनलोड ऑनलाइन। दोस्तों आपको सिंपली इस चीज को यहाँ पे सर्च कर लेना होगा, आप लोग देख सकते हो, टाइप कर लो अपने मोबाइल में, सर्च कर लो, और सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में जो साइट आएगा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये साइट मेरे को सबसे सही लगा फोटो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल फुल HD क्वालिटी में फोटो को डाउनलोड करता है। नीचे में भी मैंने आप यहाँ पे जितने साइट है टोटल मैंने ट्राई करके रखा हूँ, सब भी HD क्वालिटी में डाउनलोड करते हैं फोटो, पर ये जो साइट है ये इसका जो फोटो को क्वालिटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम सिंपली इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर हमें क्या कर लेना होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया यहाँ पे, तो आपको सिंपली ये जो आईडी है आपको इसका यूजर आईडी या फिर आपको इसका जो प्रोफाइल है आपको उसे कॉपी कर लेना होगा। आपको यहाँ पे कॉपी प्रोफाइल URL का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप सिंपली यहाँ से कॉपी प्रोफाइल URL कर लेते हैं। उसके बाद हम सिंपली जाते हैं अपनी साइट पर और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो मैंने यहाँ पे उसका यूजर आईडी का लिंक कॉपी किया था दोस्तों, यहाँ पे हम कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना होगा, हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिए और ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है हम सिंपली इस पे जा करके डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ टाइम आपसे मांगेगा जो कि रेंडरिंग करेगा फोटो का, क्वालिटी निकालेगा अच्छा से, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जो मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम में प्रोफाइल लिखा है वो यहाँ पे टोटल प्रोफाइल आ चुका है, यहाँ पे दिख रहा है कितना फॉलोअर्स है, फॉलोइंग कितना टोटल यहाँ पे दिख रहा है, और जो भी उसका बायो डाटा है वो यहाँ पे आप लोगों को बायो इसका दिख रहा है। इसको मैं आपको बता दूं कि आपको अभी कंफ्यूज हो गए कि इसका मैं फोटो डाउनलोड कैसे करूँ, तो दोस्तों इसका फोटो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको बस एक स्टेप आगे जाना है, बस आपको सिंपली इसको ऊपर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कितना क्लियर क्वालिटी में इसका प्रोफाइल पिक्चर आपके सामने आ चुका है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, नीचे में जो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है आप सिंपली यहाँ से जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो अपने मोबाइल में। इससे क्या होगा कि जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोग को जो इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल पिक्चर है वो इतना छोटा छोटा दिखता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि सामने वाला पर्सन कौन है एक्चुअली में, तो यहाँ पे आपको उसका यूजर आईडी या फिर आप उसका यूजर प्रोफाइल जो है उसका URL आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे एकदम HD क्वालिटी में आप देख भी सकते हो और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो अपने मोबाइल में, और आप डाउनलोड करके सिंपली देख भी पाओगे कि ये प्रोफाइल किसका है, आप आसानी से पहचान भी पाओगे। यहाँ पे हम सिंपली अगर इसे डाउनलोड में जाकर इसे ओपन करते हैं तो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है, हम सिंपली अपने गैलरी में जाकर के अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कितना HD क्वालिटी में ये फोटो हमें मिला है। आप सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपने जो इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल पिक्चर उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कि सामने वाला पर्सन कौन है, कैसा दिखता है, और दोस्तों आप उसे पहचान करके फॉलो भी कर सकते हो या फिर रिक्वेस्ट आया तो आप उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर सकते हो। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर ऑल कर दो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा।